तुम मुझे छोड़ने का इरादा बांध चुके थे, और जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने तुम्हारे दर से अपना कदम खींच लिया ताकि तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और मोहब्बत का भरम भी बाकी रहे। ये छोड़ना, ये ताल्लुक खत्म कर देना, अब यहां पे मोहब्बत का भरम देखें, और मोहब्बत का भरम रखने वाले के दिल में एक अजब सी ख्वाहिश देखें कि वो जो उसे छोड़ रहा है, जो उससे अपने कदम पीछे हटा रहा है, जो उससे निश्चित रिश्ता, नाता, ताल्लुक अपना आप बिल्कुल खत्म कर रहा है, अपने आप को उसकी जिंदगी से ऐसे हटा रहा है कि जैसे कभी वो था ही नहीं। मानो किस कदर गहराई है इसमें, किस कदर गहराई है कि मुझे छोड़ने की इरादा बांध चुके थे तुम, और जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने तुम्हारे दर से अपना कदम खींच लिया ताकि तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और मोहब्बत का भरम भी यूं जिंदा हो जाविदा रहे। जरा महसूस करे इस दर्द को, इस कर्ब को। ये मोहब्बत की कौन सी इंतहा है, ये मोहब्बत का कौन सा मुकाम है, ये किस कदर गहराई है इस एक नुक्ते में कि जहां पर कोई किसी को छोड़ने लगा है तो दूसरा ये सोचकर उसकी जिंदगी से निकल रहा है कि शायद उस इंसान को मुझसे ताल्लुक खत्म करने में खुशी महसूस होती हो, सुकून महसूस होता हो, वो इंसान अपने आप को बहुत आरामदेह कैफियत में पाता हो अगर वो अपना ताल्लुक मुझसे छोड़ दे तो मैं क्यों ना छोड़ूं उस इंसान को, क्यों ना छोड़ूं उस इंसान को कि जो मेरे बगैर खुश हैं, क्योंकि मैं तो उस इंसान की खुशी का तालिब रखता हूं। मुझे मुझे ख्वाहिश है कि वो बस खुश रहे, वो खुश रहे जहां रहे जैसा रहे। मुझे इस चीज से कोई गरज नहीं कि वो किसके साथ रहे, मुझे तो बस इस चीज से गरज है कि वो बहुत ही सुकून और इत्मीनान में रहे। मुझे मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि वो इस लम्हे में मुझे पाके, मुझे कोके किस कदर अच्छा और पुरसुकून महसूस करता है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे होने ना होने से उसे क्या फर्क पड़ता है। मुझे इससे भी कोई गरज नहीं है कि वो अपने आप को दायरे सुकून में लाने के लिए आया, दायरे सुकून में लाने के लिए, सुकूनत इख्तियार करने के लिए मुझे छोड़ रहा है। मुझे तो बस उसकी सुकून से गरज है, उसके मुतमैन होने से गरज है। मुझे तो बस उसके सुकून की तलब है। मुझे ये नहीं मालूम कि वो मुझे छोड़ के कितना खुश, कितना रंजीदा, कितना गमजदा होगा। मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। हाँ, अगर मुझे किसी शय से, किसी जानिब से इस ताल्लुक में कोई चीज जो मेरे लिए लाजिम व मलजूम है, वो फकत ये है कि वो मुझे छोड़ के भी खुश है तो बस फिर इससे बढ़ के और क्या तलब हो सकती है मेरी, इससे बढ़ के मेरी और क्या ख्वाहिश हो सकती है कि मैं उसे खुश देखूं, चाहे किसी भी हाल में देखूं।
वो मुझे मुझे खो के खुश होना चाहता है। हाय नादान, वो मुझे खो के खुश होना चाहता है। अगर मैं ये भी ना करूं तो फिर मेरी चाहत कैसी, मेरी मोहब्बत कैसी, ये मोहब्बत का बरम कैसा, ये मोहब्बत का मुकाम कैसा, ये नामे मोहब्बत कैसा कि जिसमें मैं इतना भी ना कर सकूं कि उस इंसान के लिए जिसे मैं दिलो जान से अपनी चाहतों से बड़े मान से इस कदर अपना समझता हूं कि जिसके बाद जिसके होते हुए कोई शय जिंदगी में अजीज नहीं है मुझे। वो मुझे कहता है कि तुम मुझे छोड़ने का सोच लो, और मैंने उनको कहना चाहा कि तुम मुझे छोड़ने का इरादा बांध चुके थे, और जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने तुम्हारे दर से अपना कदम खींच लिया ताकि तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और मोहब्बत का बरम भी बाकी रहे। एक जानिब उसकी सुकूनत, दूसरी जानिब मोहब्बत का बरम। अगर मैं मोहब्बत का भरम भी ना रखता तो शायद लोग ये कहते कि ये कैसी मोहब्बत है कि जिसमें महबूब जुदा होना चाहे और महबूब उसे जुदा होने ना दे। मोहब्बत का तो यही एक अजब दस्तूर है कि इसमें कोई कैद व पाबंद, कोई किसी के मातहत तो ताबे नहीं है। अगर आप गलती से किसी को अपने ताबे रखना चाहें, अगर आप सोचें कि कोई आपके ताबे हो, कोई आपके मातहत हो, तो खुदा की कसम आप जिंदगी में सबसे बड़ी भूल, वो भूल कि जिसके बाद माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, ये वो भूल कहलाती है कि जिसके बाद हम अपने आप को कोसते हैं, हम सजावार कहलाते हैं। इससे बढ़कर और कोई अजीम जज्बा क्या हो सकता है कि जो आपको छोड़ के अपने आप को खुश महसूस करें और आप फिर भी उस इंसान की जिंदगी में दखल दें, तो मेरे ख्याल से अपने आप को, अपनी जात को इस जिंदगी में बहुत तकलीफ के मुकाम से गुजारना है। और यहां पर अना भी तो आयल रहती है, यहां पे अना का आयल होना भी खासा जरूरी होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में वो जो शख्स आपके साथ मजीद रहना नहीं चाहता और आप फिर भी उस इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक लम्हे के लिए आपको ये एहसास हो ही जाता है कि आप गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, और ये वो दरवाजा था कि जिसने कभी आपके लिए खुलना नहीं था। आप बस यूं ही दस्तक देते रहे, अपना आप और अपनी जात को मजरूह करते रहे, अपनी अना को आप सूली पर चढ़ाते रहे। आपकी अना और आप अपने अना का कातिल ठहरते रहे। आपको नहीं लगता कि जब आपकी अना कहीं पे मजरूह हो रही हो बहुत खूबसूरत रास्ता है कि वहां से
किनारा किया जाए, लेकिन अगर उसके बाद भी अपने आप को किनारा करने का कोई आपके दिल और दिमाग में सोच पैदा नहीं होती, तो यकीन कीजिए कि आप जिंदगी में वो भूल कर रहे हैं कि जिसके बाद अपने आप को माफ करना शायद मुश्किल ना हो। अपने आप को माफ ना करने का सोच कर कि कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि मैं अपने आप से माफी मांगू और अपना आप मुझे माफ ना करे, तो कोशिश करें कि जिंदगी में वो वक्त कभी पैदा ना करें कि आप अपने आप से माफी मांगे और अपने आप से माफी मांगने के बाद आपको अपने आप से माफी ना मिल जाए। एक अजीब किसी कैफियत होती है जब आप अपने आप से माफी मांगते हैं और आपको अपने आप में माफी नहीं मिलती। इसे कहते हैं अपना मुजरिम होना। वो कभी सोचा होगा, कभी आपने सुना होगा कहीं से कोई बात की, मैं अपना मुजरिम ठहरा हूं, मैं अपने आप को कैसे माफ करूं, मैं अपने लिए माफी किससे मांगू, क्योंकि मेरा अपना आप मुझे सजा देने पर तुला हुआ है। मैं अपने आप को माफ करूं या अपने आप को सजा दूं, मैं अपने आप से माफी मांगूं या अपना जुर्म साबित करूं, मैं अपने सामने कैसे हाथ जोड़ू, मैं किसे जज बनाऊं, कौन मेरा मुंसिफ हो, कौन मेरा मुंसिफ हो, कौन मेरा फैसला करे, कौन है जो मेरे लिए फैसला करे, कौन है जो मेरे दर्द को समझे और मुझे मेरे दर्द से निजात दे जो दर्द मैं अपने हाथों से पैदा कर चुका हूं। तुम मुझे छोड़ने का इरादा बांध चुके थे और जब मुझे इलम हुआ तो मैंने तुम्हारे दर्द से अपना कदम खींच लिया ताकि तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और मोहब्बत का भरम भी बाकी रहे। कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने, कभी नहीं पाओगे मुझे तुम अपनी जिंदगी में दोबारा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।